यहाँ पर जो खातिब है जो खिताब करने के लिए आए हैं उन्हें आप तुम्हें इंशाल्लाह थोड़ा सा लाइव चला दो इंशाल्लाह। यहाँ हमारी बात होगी, शोषितों की बात होगी, वंचितों की बात होगी, वो जो मजलूम बने हुए हैं, जिन्हें मजलूम बनाया गया है उनकी बात होगी। और मैं यहाँ मंच पर बैठे अपने साथियों से गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी यहाँ पर नगर सदर, विधानसभा सदर और जिला कमेटी के मेंबरान होंगे और कुछ मखसूस लोग हैं जिन्हें जिला कमेटी ने दावत दिया है वो यहाँ मौजूद होंगे। और जो लोग जिला कमेटी से ताल्लुक नहीं रखते या किसी विधानसभा और नगर के सदर नहीं है, मेरी उनसे अदबन गुजारिश है कि बराए मेहरबानी मंच को खाली कर दें ताकि जिन मेहमानों को आपने दावत दी है उनको हम यहाँ पर लाकर बिठा सके, उनका इस्तकबाल कर सके। हम सब मेजबान है, इस बात का ख्याल रखें, हमारे मेहमान वो तमाम है जो बैसरुद्दीन वैसी साहब से मोहब्बत रखकर बहुत दूर से चल करके आपके जौनपुर खिराजे हिंद जिसे कहा जाता है वहाँ पर आए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी मंच पर वही लोग रहे जिनका मैंने बताया कि वो नगर सदर, विधानसभा सदर और जिला कमेटी के मेंबरान है, जो प्रदेश कमेटी के मेंबरान है वो यहाँ पर मौजूद रहे। और बाकी तमाम लोगों से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी स्टेज के नीचे चले जाएं। आपके लिए यहाँ VIP लाउंज में बंदोबस्त किया गया है, वहाँ पर आपकी नशिस्त आपकी मुंतजिर है, बराए मेहरबानी वहाँ जाएं। और चूंकि वक्त कम है मैं बातों का सिलसिला यूं ही इंशाल्लाह जारी रखूंगा। आसिफ शेख साहब विधानसभा यूथ सदर, सदर असेंबली से विधानसभा यूथ सदर में उनसे गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी वो आए और बहुत ही मुख्तसर वक्त में अपनी बात को रखे। जनाब आसिफ शेख साहब यहाँ पर मौजूद सभी पदाधिकारीगण व जिला के पदाधिकारीगण, यहाँ पर मौजूद सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं कोई सियासी लीडर नहीं हूँ, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक साधारण से कार्यकर्ता हूँ। ये हमारे बड़े भाई अचार जैन साहब का बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। इसके लिए नेता हमारे कैद वरिष्ठ साहब जी वैसी साहब आज की जनसभा में तकलीफ ला रहे हैं। हम लोग 6 सालों से जद्दोजहद और मेहनत कर रहे हैं और इस मेहनत का हमको फल भी मिला और वार्ड मेंबर से हमारी पार्टी ने यहाँ से जिला पंचायत हो गया, ज्यादा मन बनाइए, जिला पंचायत को कामयाब कर भेजा। ये जो जनसभा हो रही है कि जनसभा वार्ड नंबर 10 जिला पंचायत क्षेत्र में आती है और हमारी पार्टी के जिला पंचायत साहब भी यहाँ पर मौजूद है, हम उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम 2012 के घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी ने हम